एक ऐसी क्रिकेट ग्राउंड जो वेरी इजीली इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस को होस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा एरिया है और उसी के साथ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स ऑफ किश्तवाड़। आज की वीडियो होने वाली है मेरी जम्मू से लेके किश्तवाड़ तक की बाइक राइड के बारे में। हम लोगों ने अपना सफ़र सुबह के 5:30 बजे शुरू किया था और एक ब्यूटीफुल सनराइज़ को देखते हुए हम पहला स्टॉप हमने लिया पीड़ा में। वहाँ पर राजमा चावल खाए, चाय पी और हम अपनी जर्नी की तरफ निकल गए। मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस साइड आया था तो डोडा में चिनाब का व्यू देखते हुए मेरा यहाँ पर नहाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं था। बाइक राइड करने का आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप यहाँ पे आओगे। अपनी एक फेवरेट ट्रैवल प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं, अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनते हुए अगर आप जाओगे तो आपको राइड करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर ओवरटेक करते हुए बहुत ध्यान से आपको ओवरटेक करना चाहिए। एंड आई वुड प्रेफर कि अगर आप ट्रक या बसेस वगैरह चल रही हैं तो आप वहाँ पे ओवरटेक ना ही करो। फाइनली हमें एक जगह मिल गई जहाँ पर हम नीचे जा सकते थे, तो चिनाब में जाके हमने थोड़ी बहुत वहाँ पर वीडियोस ली थी अपनी इंस्टाग्राम की रील्स के लिए। एंड थोड़ा सा फेस वॉश किया, थोड़े से फ्रेशन अप हुए और फिर से अपनी जर्नी पे निकल गए। किश्तवाड़ के व्यूज़ आर लाइक ब्रेथ टेकिंग, बहुत ही प्यारे। आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वेदर भी यहाँ पर आपको अच्छा मिलेगा। और फाइनली हम लोग ग्राउंड में पहुँच गए, मुझे नया फ्रेंड भी मिल गया और उसने मुझे ग्राउंड में घुमाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है, कितना प्यारा ग्राउंड है और इतना ज़्यादा एरिया में आई थिंक यहाँ पे वेरी इजीली इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस को होस्ट किया जा सकता है। और मैंने भी अंदर जाके पिच देखी, ग्राउंड देखी, बस एक चीज़ थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ था, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो बस रात को हम लोग मैच खेल के वापस आ गए। कल मैं आपको लेके चलूँगा किश्तवाड़ से भतरवा।